हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। दिस इज सूरज और आज हम क्विज नंबर 4.2 करने जा रहे हैं अपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यूनिट का। चलिए, दिस इज द फोर्थ यूनिट एंड वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिजॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स इज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैन सबमिटिंग क्वेश्चन टू जजेस बिकॉज। तो आपके ऑप्शन हैं कि जजेस डू नॉट नो ऑलवेज द करेक्ट आंसर्स, बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर एक्टर्स हैव हिस्टोरिकली प्लेड अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सीज। ऑप्शन सी इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव जजेस द पावर टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड डी ऑप्शन इज इनिशिएटिंग लॉसूट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कंबरसम एक्टिविटी। चलिए, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो उन्होंने हिस्टोरिकली काफ़ी सेंट्रल रोल प्ले किया है। आप इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में देखेंगे तो भी, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स में जो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के भी कुछ पार्ट को समझने के लिए आप संविधान सीरीज देखिए। संविधान सीरीज में ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स आ, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर अच्छी खासी डिबेट्स हुई थी और ये सारे डिस्प्यूट्स ज़्यादा वहाँ पर सॉल्व हुए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ स्लैश रेदर देन एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेयर टेक्स्चुअल इंटरप्रिटेशंस। आपके ऑप्शन हैं पॉलिटिक्स एज यूजुअल, बी परमानेंट रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज गवर्नेंस एंड ऑप्शन डी इज फिलोसफी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, गवर्नेंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट इज बेस्ड ऑन कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जो पावर है वो पीपल से आ रही है, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़ा होगा ना, आपने वो पढ़ा होगा कि वी द पीपल, ये पढ़ते हैं ना, क्या है ये, वी द पीपल, ये पढ़ते हैं ना हम भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी यही कहती है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो पावर की अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, वो पीपल से है। इट इज़ डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम पीपल एंड इट शुड बी लिमिटेड बाई ए गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं तो उसे हम लिमिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है, ये बात क्लियरली लिखी होती है कि वॉट द गवर्नमेंट कैन डू एंड वॉट इट कैन नॉट डू। समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट आपके किन किन राइट्स को कुछ नहीं कर सकती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर सकती है, ओके। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो आइडिया है ये शुरुआत हुआ है कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से? इट इज़ बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पितामह या मदर जो भी बोल लो, फादर जो भी बोल लो, कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए, हम आते हैं अगले चैप्टर। इंग्लैंड के बाद अमेरिका का भी नंबर आता है इस पर, ठीक है ना। चलिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर सिटीजंस एंड इलेक्टेड ऑफिशियल इंटरनलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सो दैट दे रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस एज द ओनली लेजिटिमेट मीन्स फॉर रिजॉल्विंग प्रोसेसेस रिजॉल्विंग लीगल एंड पॉलिसी डिस्प्यूट्स। वी से दैट, क्या बोल रहा है, लेट्स रिपीट दिस। वेयर सिटीजंस एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स इंटरनलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सो दैट दे रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एज द ओनली लेजिटिमेट मीन्स। सबसे सही तरीका, सबसे सही उचित माध्यम यही है फॉर रिजॉल्विंग लीगल एंड पॉलिसी डिस्प्यूट्स। ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कंस्ट्रेन पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्ट पॉलिटिक्स,
constitute politics or written constitution eventually becomes unnecessary. अब देखिए हम समझते हैं इन क्वेश्चंस इन की वर्ड्स को समझते हैं हम. कंस्ट्रेन, कंस्ट्रक्ट, कॉन्स्टिट्यूट. आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्ड्स को नहीं समझने में, तो एक्चुअल एग्जाम में क्या होता है कि वो दोनों लैंग्वेज में दिया होता है. तो रेफर द हिंदी वर्जन एक बार फिर से. इफ द पीपल यू आर लिसनिंग आर बेसिकली फ्रॉम हिंदी मीडियम, सॉरी हिंदी लैंग्वेज बैकग्राउंड, लाइक राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ओके, एमपी, दिस एरिया. तो कॉन्स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? कॉन्स्ट्रेन मीन्स होता है लिमिट, ठीक है, रोकना किसी को, टू लिमिट समबडी, समवन, ओके, समथिंग. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या पॉलिटिक्स को रोकता है? नो. बी ऑप्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट पॉलिटिक्स. कॉन्स्टिट्यूशन, अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? टू मेक समथिंग, निर्माण करना किसी चीज का, ठीक है ना. और कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? टू फॉर्म और क्रिएट. अब निर्माण करना और क्रिएट करना दो थोड़े से करीबी वर्ड है, ठीक है, थोड़े से करीबी वर्ड है कंस्ट्रक्ट और कॉन्स्टिट्यूट. बट कॉन्स्टिट्यूट में क्या अंतर होता है? कुछ चीज़ें आ करके मिलती हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं. क्या होती हैं? कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, इस्टेब्लिश, ठीक है. तो ये तो एकदम इनअप्रोप्रिएट आंसर होता है और ये भी कट गया. इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिक्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. तो एकदम इजी क्वेश्चन है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट एलेबोरेटेड बाई प्लेटो, अरिस्टोटल, जीन बोना एंड निकोलो मैकियावेली. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अरिस्टोटल. आपको याद होगा कि 158 देशों का वो संविधान को पढ़े थे, 158 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कंपेरेटिव स्टडी किया था, ठीक ना. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. इसलिए मोर वाले सबको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पितामह, फादर जो भी कहा जाता है, ठीक है. तो ओके, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी? आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन. विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी? अब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव होती है ना, आर्टिकल 75(2)(3) जो भी होता है. आई डोंट रिमेंबर आर्टिकल्स बाय द नाम, तो मुझे ऐसे याद नहीं रहते हैं यार. लेकिन एक बात है कि नहीं कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेंशन है ना ये कि हाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कोई एक्शन लिया जाता है तो उस पर सबकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है. ये भी है प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पेरिस, यानी कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, ठीक है. एंड जुडिशियल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी है. तो ये और ये तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के प्रिंसिपल हैं एक डेमोक्रेसी के भीतर. लेकिन फिक्स्ड टेन्योर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर नहीं है. देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट में होता है फिक्स्ड टेन्योर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है ये, ठीक ना, फिक्स्ड टेन्योर. सॉरी, अब इसका एग्जांपल कंपेयर क्या करिए, इंडिया में क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्या यहां पर पीएम का फिक्स्ड टेन्योर होता है? अब याद करिए जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई हो गए, आपके वीपी सिंह, चंद्रशेखर और जितने भी ऐसे नेता थे, वाजपेयी जी को देख लीजिए, तो इतने सारे लोग थे, लोग चौधरी चरण सिंह हो गए, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा सर, तो इतने लोग जो भी थे, ये क्या इनका टेन्योर फिक्स था? जो गवर्नमेंट गई ये लोग गए. एच डी कुमार स्वामी, अभी देखिए इनका महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे. तो आपने जैसे यूपी में क्या हुआ था कि योगी आदित्यनाथ और जितने भी केशव प्रसाद मौर्य या जितने भी थे दिनेश शर्मा, ये लोग इलेक्टेड नहीं थे डायरेक्ट, ये लोग एमएलए नहीं थे. इसी तरीके से वहाँ पर भी वो एमएलए नहीं है. तो अभी स्थिति क्या हो गई है कि बाई पोल करा के ही कोई जाता है ना अंदर. आपने ये पढ़ा होगा ना कि हाँ 6 मंथ से अधिक कोई मिनिस्टर नहीं रह सकता है, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी, सीएम कुछ भी नहीं रह सकता है. तो अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान इलेक्शन भी नहीं हो सकता है. तो अब बताइए कि क्या तरीका है, अगर इलेक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता है, एमएलसी का, एमएलए कोई भी नहीं हो सकता है, तो क्या तरीका है उनके सीएम बने रहने का? आप सर्च करिएगा और कमेंट बताइएगा मुझे.
चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फिक्स्ड टेन्योर। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं हम, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फॉर्म। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट कहाँ से बोरो किया गया सिस्टम, इसका आंसर होगा आपका ब्रिटिश फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन। चलिए इसका आंसर क्या है आपका, देखिए मैं तुरंत इसका आंसर बोलता हूँ, अगर आपको चेक करना हो तो आप पहले एक बार पॉज करके सोच लिया करिए, फिर आप देख लिया करिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। देखिए इंग्लैंड में क्या था कि जो उनके यहाँ सिस्टम था वो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट किए थे, हमारे नेताओं ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे समझा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसके बाद भी यही सिस्टम चलने दिया जाए, क्योंकि हम लोग इसी के आदी हैं, हमें ये अच्छे समझ में आ रहा है, कोई नया सिस्टम को ट्राई एंड एरर करने की जगह इसी को हम अच्छे से चलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे दिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसए, जर्मनी, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका, आयरिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, जापानीज, इन सब से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर इतना टाइम तो नहीं है, मैं एक एक को मैं समझा पाऊँ, आप वीडियो को पॉज करके ये स्लाइड देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज मीन बाय वन पार्टी सिस्टम। ऑप्शंस आर वन सिंगल पार्टी रन्स द गवर्नमेंट, वन सिंगल पर्सन रन्स द पार्टीज, व्हेन द किंग रूल्स द कंट्री, और व्हेन वन पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट नहीं पता, हम कॉमन सेंस बेस्ड ही करते हैं, क्योंकि अब देखिए ये बताइए आपके, वन सिंगल पर्सन रन्स द पार्टीज, या क्या लिखा हुआ पार्टीज, एक आदमी कई पार्टी अगर चला रहा है तो वन पार्टी सिस्टम कैसे होगा, ये गलत है। व्हेन द किंग रूल्स द कंट्री, तो उसे मोनार्की बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम कहाँ से आ गया, पार्टी वर्ड ही वहाँ पर नहीं, जहाँ राजा है वहाँ पर पार्टी कहाँ बनने वाली है, ये भी गलत है। व्हेन वन पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, जब एक ही पार्टी है तो इलेक्शन कहाँ लड़ने जाएगी, वो तो वैसे ही जीत जाएगी, तो ये भी गलत है। तो इसका एक ही आंसर बचता है वो ए, वन सिंगल पार्टी रन्स द गवर्नमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना की पार्टी, जो क्या उसके जो भी है, कम्युनिस्ट पीपल पार्टी, सीपीपी जो भी है, ठीक है, तो वही तो करती है ना। वहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मिंग ऑफ एनी अनदर पॉलिटिकल पार्टी इज टोटली बैंड, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। व्हाइल प्रेशर ग्रुप्स परफॉर्म द टास्क ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, द पोलिटिकल पार्टीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ओके, स्टेटमेंट नंबर दो क्या है, प्रेशर ग्रुप्स रिप्रेजेंट होमोजीनियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सीक पोलिटिकल पावर। ओके, तो चलिए हम आते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका। अब क्या पूछा गया है, आर्टिकुलेशन, क्या बोल रहा है, व्हाइल प्रेशर ग्रुप्स परफॉर्म द टास्क ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है, मतलब उसे क्लियरली स्पीक करना है, क्लियरली समझाना किसी को भी, ठीक है, ये काम होता है आप किसका, प्रेशर ग्रुप्स का। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं अपनी जगह पर, वो जैसे आप एग्जांपल समझिए कि वो क्या करते हैं कि अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने क्लियर रखते हैं, कुछ किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, जिसके ही हितैषी हों वो, उनकी बात को रखते हैं। जबकि पोलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम करती हैं। एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, एग्रीगेशन मीन्स होता है एकत्रीकरण, क्या होता है हिंदी में इसको बोलेंगे, एकत्रीकरण, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इन वो लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट को एक जगह इकट्ठा करती हैं, है ना, और दे फॉर्म ए सिंगल फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ए क्लस्टर। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी कांग्रेस का नहीं, एबीवीपी होती है हर जगह, और कुछ लेफ्ट की पार्टीज होती हैं, एसएफआई वगैरह, आईसा वगैरह, एनएसवाई भी होती है। तो ये पार्टीज क्या करती हैं, अगर ये एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या करती हैं, ये हर तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर अपनी ये कोई योजना बनाती हैं, ठीक है,
को सबका इंटरेस्ट ध्यान में रखती है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे बीए मतलब एमए फाइनल ईयर का पीएचडी का स्टूडेंट हो, ठीक ना, या फिर वो आर्ट का हो, सोशल साइंस का बीए का हो, बीएससी का हो, ठीक ना, किसी का भी हो, यहाँ का हो या विदेशी हो, कोई अफगानिस्तान से पढ़ने आते हैं इंडिया में लड़के और कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक ना, यंग हो, यानी बोलते ना कि बीए फर्स्ट ईयर का नया बच्चा है वो, या फिर जो सीनियर्स हैं काफ़ी मैच्योर हैं, कोई वेल्दी है, कोई पुअर है, कोई गरीब अमीर, तो इन सबको एक साथ ले करके वो एक पॉलिसी फॉर्म करते हैं या इन सबके इंटरेस्ट को एग्रीगेट करके इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक ना, तो ये तो सही है। अब रीजन क्या है इसका, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर ग्रुप्स रिप्रेजेंट होमोजीनियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सीक पॉलिटिकल पावर। देखिए ये तो सही है, होमोजीनियस इंटरेस्ट ग्रुप तो होते हैं बट दिस डू नॉट सीक पॉलिटिकल पावर, या अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर सीक करना होगा तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे, प्रेशर ग्रुप कहाँ से रह जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। आई नो यहाँ पर ये आंसर गलत दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये बी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, सी होगा, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। यहाँ तक सही है, होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं चाहते हैं वो, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो एनजीओस, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलिट्स। अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो भी हम एक बार कॉमन सेंस के बेस पे गेस करते हैं ऐसा कुछ कि एनजीओ क्या होते हैं, एनजीओ क्या होते हैं आपके, ये ऐसे कुछ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, पब्लिक हेल्प करते हैं, मतलब फ्री में करते हैं ऐसा कुछ, या लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो ये पब्लिक इश्यूज प्रॉब्लम को हेल्प करते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, 3। चलिए अब ए का 3 हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, इन चारों में ए का 3 किस में है, सिर्फ इसी में है, अब जब इसी में है तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी हम बाकी को देख लेते हैं, बी का क्या होगा, प्रेशर ग्रुप्स टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक ना, एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, जैसे कि करणी सेना हो गई, परशुराम सेना हो गई, वो और योगी जी का हिंदू युवा वाहिनी हो गई, ठीक ना, ये अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स है, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, दे प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है, अब भीम आर्मी हो गई ऐसे ही, भीम सेना, भीम आर्मी, ओके, फिर इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मतलब होता है पावर, फॉर्म वो इसीलिए फॉर्म करती है क्योंकि उन्हें पावर चाहिए होगा, सिंपल से एग्जांपल देखिए आपका 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसके बाद आम आदमी पार्टी क्यों आई, उन्होंने बोला ना कि हाँ इस गंदगी को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, ऐसे सारे डायलॉग बोल के, तो उन्होंने क्या सोचा, जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा हम स्ट्रांग एक्शन नहीं ले पाएंगे, और इसी पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए उन्होंने नया पार्टी बनाई और इलेक्शन लड़ा, बाद में उनको पावर मिली भी, ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी पॉलिटिकल पावर। एंड एलिट्स, एलिट्स का कॉमन सेंस ही लगता है कि बड़े लोग, अच्छे लोग थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बचा हुआ ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सन इन देयर चूजन फील्ड, जैसे क्रिकेट में मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर हो गए, एक्टिंग में मान लीजिए कि आप अमिताभ बच्चन हो गए, तो एक एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अपने अपने गायकी के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी हो गए, तो ऐसे से, ठीक ना, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, ऑप्शन आर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स एंड एसोसिएशनल ग्रुप्स। तो ये नॉन एसोसिएशनल क्या होता है यार, ये एसोसिएशन किसी से जुड़ा हुआ, तो ये सबसे बड़े तो होंगे नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब होता है कि बाकायदे कैडर फॉर्म करना, बाकायदे उनका हेडक्वार्टर होना, स्टेट लेवल पे ऑफिस होना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की, जैसे कि बीजेपी का जो ये कैडर सिस्टम है ना, ये सेम सिविल सर्वेंट्स की तरह है, ठीक ना, तो उससे बोलते हैं उनका अपना अपना कैडर सिस्टम है कि यहाँ के वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जैसे जैसे आप देखते हैं सिविल सर्वेंट्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बीजेपी का और आरएसएस का प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो ठीक से फंक्शन करते हैं, इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन करते हैं, तो मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, जो ठीक से अपने आप में इंगेज रहेगा, अच्छा उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, पूरा सिस्टम बनाते हैं, अपने सिस्टम थ्योरी पढ़ी होगी, सिस्टम अप्रोच पढ़ा होगा डिविडेशन का, तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए आज के लिए थैंक यू, आज की क्विज यहीं पर खत्म होती है, और इस क्विज को शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए,
और थैंक यू हमसे जुड़े रहिए, और आई विल ट्राई कि हाँ कल से मैं रेगुलर रहूँ इस चीज़ में।